नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज़ ऑन वेरी चीप प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये सामने जो बिल्डिंग है ये है जवाहर नवोदय विद्यालय। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय दोस्तों, और ये जो केंद्र शासित जो होते हैं स्कूल होते हैं, इसको जो है केंद्र सरकार जो चलाती है। और दोस्तों, इसके बराबर में ये जो पीली रंग की आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है गौशाला। जी हाँ दोस्तों, ये गौशाला है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित है। तो ये दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आसपास में, कि इससे पहले ही मात्र 500 मीटर पहले एक ज़मीन का टुकड़ा है, जो कि आपने थंबनेल में देखा था, 3 एकड़ का ये जो टुकड़ा है आप जैसा देख रहे हैं, ये हम खेत के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में खड़े हैं, है ना दोस्तों। तो खेत के पीछे वाले हिस्से में खड़े हैं, इसमें कितना फ्रंट है, कहाँ पर है, कितनी लोकेशन है, ये पूरी जानकारी मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, बहुत ही सस्ती डील है, मतलब ये जो अगर आपके मतलब की चीज़ है, जो छोटे टुकड़े चाहते हैं उनके मतलब की डील है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जो आस पास है वहाँ की जो प्राइस है उस हिसाब से ये जो डील बहुत 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 सस्ती है। और ये सबसे खास बात ये कि मेरी ही खुद की अपनी ज़मीन है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो कर जरूर लें, और पूरी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम रास्ते में चलते हुए बहुत सारी जो काम की बातें होती हैं वो काम की बातें कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मुझसे कमेंट में पूछते हो, और वो चीज़ मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना तो बनता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखिए, सुबह सुबह दोस्तों हम निकल चुके हैं, और ये जो है नेशनल हाईवे है, दिल्ली से लखनऊ वाले हाईवे पर दोस्तों ये जो पड़ती है फतेहगंज पश्चिमी में, मैंने आपको बताया था पहले भी, तो फतेहगंज पश्चिमी में ये दोस्तों पड़ती है। तो जो इसका जो मेन रोड से, यानी कि जो दिल्ली वाला हाईवे है, वहाँ से इसकी दूरी जो है लगभग मैं 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगी। जी हाँ, 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगी। और गाँव का नाम दोस्तों मैं बता दूँ आपको, गाँव का नाम है रहपुरा जागीर। जी दोस्तों, तो रहपुरा जागीर है। और दोस्तों, इसकी कीमत की जो लोग बहुत कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई साहब ये तो बहुत महंगी है जी भाई, ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो प्रॉमिस हमेशा आपसे रहा है कि मैं आपको कम से कम प्राइस पर आपको चीज़ अवेलेबल करा सकूं। तो दोस्तों, कम से कम मतलब का मेरा ये है, जहाँ पर अगर कोई चीज़ मार्केट में 3.5 लाख की है या 4.5 लाख की है, तो मेरा मतलब ये रहता है कि मैं आपको उनसे कम प्राइस में आपको जो है प्रोवाइड करा सकूं, ताकि जो है आप भी कहें कि हाँ आपने मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड कराई है, मतलब कम रेट पर। तो दोस्तों, ये मेरा हमेशा जो एक सामने वाले से हमेशा प्रॉमिस रहता है, हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरी भी मेहनत वसूलो और आपका भी पैसा सही जगह यूज़ हो दोस्तों। और जो लोकेशन है दोस्तों, इस लोकेशन में क्या है कि आपको जो है आप हर एक चीज़ से इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल बना सकते हैं, या एक छोटा सा अपना फार्म हाउस बना सकते हैं, या फिर आप जो है उसमें डेयरी खोल सकते हैं, या कुछ भी आप जो आप मतलब जो आपको सुटेबल लगता है, या खेती के पर्पज़ से भी दोस्तों बहुत बेस्ट है, क्योंकि डामर रोड पर है, आप यहाँ पर ट्रक ले जा सकते हैं अपना। जी हाँ, देखिए ट्रैक्टर ट्राली तो हर जगह चली ही जाती है, ठीक है, मगर क्या है कि आपको जो है ट्रक अगर ले जाना है तो उसके लिए रोड होनी चाहिए, डामर रोड होनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड एरिया नहीं होना चाहिए, गाँव से बाहर होना चाहिए। तो वो सारी सुविधाएं हैं आपके इस पर, और लाइट पानी रोड सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, मुरादाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर है, बदायूं 60 है, और बरेली 15 किलोमीटर। जी हाँ, 15 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है आपको 5 से 6 किलोमीटर आपको जो है अंदर ये जो लोकेशन का टुकड़ा है वो पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 20 किलोमीटर इसकी दूरी होगी, 20 से 22 किलोमीटर इसकी जो दूरी होगी मेन बरेली से। तो दोस्तों, ये जो है सामने देख रहे हैं आप झुमका चौराहा है, वहाँ झुमके चौराहे से मैं इसकी दूरी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी हो सकती है इस खेत की। तो अगर दोस्तों आपको कभी भी कोई भी विजिट करनी हो, या कोई भी क्यूरी आपको करनी हो, तो आप मुझसे कॉल पर भी पूछ सकते हैं, और मुझसे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये देखिए, ये अंदर के लिए एक रास्ता जा रही है, ये मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है। देखिए बराबर से जो ट्रक जा रहा है, ये जो अंदर के लिए शहर गया, और ये जो मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये नेशनल हाईवे के पास मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों, ये जो हम बिल्कुल बरेली के बिल्कुल जो सीमा जिसे हम कह सकते हैं, उस सीमा पर हम खड़े हैं। यहाँ से सीमा से करीब जो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये जो खेत है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मैं नीचे उतरा आया हूँ वहाँ से, और ये सामने जो रहपुरा जागीर जो मैंने आपको गांव बताया, वहाँ इससे करीब यहाँ से आप करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लोकेशन
जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी वो पड़ जाएगी दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं छोटे टुकड़े भी लाता रहता हूँ, बड़े टुकड़े भी लेकर आता रहता हूँ हमेशा आपके लिए। और एक ख़ास बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है ये मेरी खुद की अपनी ज़मीन है, यानी कि मेरी फैमिली के नाम पर है। और ये देखो ये मोड़ आया, ये जयपुर जागीर में हम इसमें एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से जो है आप आएंगे सीधा, और जो आपका हमने स्कूल दिखाया था आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ के लिए ये सीधा रोड गया है। और थोड़ा सा और करीब 1.5 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तभी जो है वो ज़मीन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कभी विजिट करनी हो तो मुझे आप 2-1 दिन पहले कॉल कर दें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डील है ये आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो डामर रोड की अगर हम लोकेशन की बात करूँ या पैसे की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है 3.5 लाख रुपये पर बीघा का रेट चल रहा है। ये अंदर आके मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर वो यहाँ से मोड़ थी वहाँ पर तो दोस्तों काफ़ी है, वहाँ पर 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपये पर बीघा का प्राइस है। वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्रंट है, कितना गहरे मतलब गड्ढे में तो नहीं है। तो दोस्तों ये जो ठीक डामर रोड पर है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें जो फ्रंट की मैं बात करूँ, फ्रंट दोस्तों इसमें जो है 60 फिट का आपको फ्रंट मिलेगा, ठीक है, 60 फिट का मिलेगा आपको फ्रंट। और टोटल जो बीघा की बात करूँ तो इसे 21 बीघा है, और 3 एकड़ से 2 बीघा ज़्यादा आपको इसमें जो है लैंड है, ये 2 बीघा लैंड है। बाकायदा आपको खतौनी पेपर सब कुछ ओके मिलेंगे, आपको कब्जा आपको पहले मिलेगा, बस आपको आकर अपने विजिट करनी है दोस्तों। बहुत ही कम प्राइस पर है ये, आप आकर कभी भी आप आकर इस पर विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धान देखिए कितनी अच्छी फसल हो रही है सामने से, है ना। और ये पक्के डामर रोड पर है, यहाँ पर आप ट्रक वगैरह कुछ भी लगते हैं, जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर जो कि गौशाला है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको लाइट की कभी दिक्कत नहीं होने वाली। लाइट की, पानी की, वाटर लेवल की मैं बात करूँ तो वही 30 से 40 फीट पर आपको पानी भी मिल जाता है, है ना। शहर से गांव से दूर आप कुछ भी इसमें अपना अगर कमर्शियल बिजनेस भी, अगर कोई बिजनेस तौर पर भी अगर आप कुछ करना चाहें तो भी आप इसमें जो है कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसकी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसकी प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो प्राइस जो इसका 2.5 लाख रुपये पर बीघा इसका प्राइस है। जी हाँ, 2.5 लाख रुपये पर बीघा, यानी कि जो आपको पड़ेगा ये दोस्तों, ये आपको पड़ेगा करीब 15 से 16 लाख रुपये एकड़ इसका जो है प्राइस आपको पड़ेगा। जी हाँ, 16 लाख रुपये आपको एकड़ इसका प्राइस पड़ेगा। तो दोस्तों आप जो है इसमें देखिए, सामने ये खेत है और ये एल शेप में गया है। अगर आपको कभी भी जो है इस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के आसपास के जो प्राइस हैं वो हैं 3.5 लाख रुपये पर बीघा, पर मैं आपको ये जो डील दे रहा हूँ ये जो 2.5 लाख रुपये पर बीघा की दे रहा हूँ, और इसमें भी आपको निगोशिएशन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरी खुद की अपनी ज़मीन है तो मैं जो है आपको जो है कम भी कर सकता हूँ। तो आप जो है प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये बहुत कम, मतलब इसके सामने जो क्या मैं आपको देख रहा है ना, इसके सामने भी दोस्तों जो कपड़ा मिल के लिए भी ज़मीन एक्वायर्ड हो चुकी है। तो टोटल कमर्शियल एरिया है ये, आप जैसा कि आपने देखा गौशाला है, कॉलेज है, और बराबर में इसमें जो कपड़ा मिल के लिए ज़मीन भी एक्वायर्ड हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर आप चाहें तो कभी भी इस पर विजिट कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और जो मेरा नंबर है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। बाकी पूरी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।